हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंग्स टू द चौका। आज हम बनाएंगे फ्राई चिकन होम स्टाइल। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए हम लोग 1 किलो चिकन ले लेंगे और उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब उसे कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है पर ये बहुत अच्छा कलर देता है। अब इसमें हम 1 से 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब इसे बंद करके 1 से 2 सीटी लगा लें। अब हमने 1 किलो चिकन को बॉईल कर लिया है, इसमें हम 2 अंडे डालेंगे। 1 किलो चिकन के हिसाब से 2 अंडे काफी रहते हैं। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर आप 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, बेसन, ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, क्रिस्पी सा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब सबसे लास्ट में लाइम जूस। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लें सारी जगह से। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे अच्छे से बंद करके मिनिमम 1/2 घंटे से 1 घंटे के लिए आप मैरिनेट कर लें। आप लोग देख सकते हैं लगभग 1 घंटा हो गया है इस मैरिनेशन को, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस मैरिनेशन को आप फ्रीजर में 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें, उससे कम समय में ज्यादा अच्छा मैरिनेट होगा। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें आप ऑयल गर्म कर लीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो गया है, जिसमें हम अपने पीसेस डाल देंगे। ध्यान से डालें। अब इसे अच्छे से हम लोग तल लेंगे। वैसे ही मीडियम फ्लेम पे इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से तल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हो गया है डार्क गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने उबाल के बनाया है ताकि फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कहीं कच्चा तो नहीं है और ऑयल भी कम लेगा। आप लोग चाहें तो बिना बॉईल के ये भी डायरेक्ट मैरिनेट करके बना सकते हैं। देखिए हमारा चिकन तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप हरी चटनी या दही वाली चटनी के साथ सर्व करिए और उसका मजा उठाइए। अगर आपको चटनी का लिंक चाहिए तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें आपको चटनी का लिंक मिल जाएगा। और सीरियसली गाइस, ये बहुत टेस्टी बना है, इसको आप पार्टीज में, स्टार्टर्स में आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी चिकन फ्राई की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज उसको ट्राई कीजिए और उसके बाद मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए सिंग्स टू द चौका, और बेल आइकन जरूर दबाइए।